हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज हम बना रहे हैं हरे बैंगन की एक बहुत ही यूनिक सी सब्जी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम हरे बैंगन को लंबा लंबा कट कर लेंगे और आलू और प्याज भी लंबे कट कर लेंगे और बहुत सारा लहसुन ऐसे ही खड़ा ले लेंगे, उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें टोफू के पीसेस भी डालेंगे। ये आर के टोफू है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे टोफूज मैंने मंगा के देखे लेकिन यही कंपनी है जो कि क्लोजेस्ट आता है पनीर के, तो अगर आपको चाहिए तो आप भी यही ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको पैक दिखा दे रही हूँ कि कैसा दिखता है। बिग बास्केट वगैरह पे बड़े आराम से मिल जाता है और बहुत ही स्पंजी और मक्खानी एकदम बनता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है, कभी कभी तो पनीर से भी अच्छा लगता है। अब मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब एक पैन में हम ऑयल डाल देंगे, कोई भी ऑयल चलेगा। इसके बाद में जो हमारी कटी हुई सब्जियां हैं उन सबको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। आपको पता है ये सब्जी जितनी सिंपल है उससे ज़्यादा ये डिलीशियस है, तो आप इसको पराठे में लगा के रोल बना के भी खा सकते हैं, नॉर्मल प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। इनफैक्ट मुझे और कोई बैगन का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं लगता, मगर ये दिस इज़ जस्ट सुपर्ब। इनफैक्ट सैंडविच में भी अच्छी लगती है ये। तो जो कटे हुए हमारे हरे बैंगन हैं इनको भी हम अच्छे से डाल के इसमें सौते कर लेंगे। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और इसको भी मिला लीजिए प्रॉपरली। इसको अब थोड़ी देर के लिए ढक के पका लीजिए और स्पेशली चलाते रहिए बीच बीच में ताकि ये जले नहीं। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था उसको डाल देंगे और इसे भी सौते कर लीजिए। थोड़ी देर ढक कर इसको होने दीजिए और साथ में एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सारी सब्जियों को पहले सिर्फ ऑयल में पकाएं, बाद में हम टमाटर का पेस्ट डालें। और अब मैं डाल रही हूँ इस सब्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, टमाटो केचप। आप किसी भी कंपनी का टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं। ये टमाटो केचप हमारी सब्जी को एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर देगा, है ना मज़ेदार। बस थोड़ा सा मेहनत है और फटाफट ये सब्जी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, उतनी ही ज़्यादा डिलिशियस ये बनती है। मेरे तो मुँह में अभी वीडियो बनाते बनाते ही बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और सबसे एंड में हमारे जो टोफू हैं वो इसमें चले जाएंगे। एंड में ही डालिए, शुरुआत में मत डालिएगा, बस थोड़ी देर ही इसे पकाना है टोफू डालने के बाद में। और ये जो सब्जी है बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट टोफू है, इनफैक्ट कई बार तो ये पनीर से भी ज़्यादा यमी लगता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, आर के टोफू नाम है। तो बस हमारी खट्टी मीठी हरे बैंगन की और टोफू की सब्जी जो है अब वो तैयार हो चुकी है। इतनी डिलीशियस लगती है ये, आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप कब से इस चीज़ को मिस कर रहे थे। आप इसको काठी रोल बना के खा सकते हैं, नॉर्मल प्लेन राइस के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए आप। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि जब आपने बनाया तो आपको ये कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। बाय।